हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। माय नेम इज श्रुति पटेल एंड आई एम फ्रॉम कैपिटल मॉडर्न स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व द सेकेंड यूनिट टेस्ट पेपर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ स्टैंडर्ड 5। आज हम स्टैंडर्ड 5 का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। हम आपको यहाँ पे वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन भेज रहे हैं। तो सॉल्यूशन क्यों भेज रहे हैं हम? ताकि आपने पेपर में क्या गलती की है और नेक्स्ट टाइम उसको कैसे इम्प्रूव करना है वो आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको सेकेंड यूनिट टेस्ट का इंग्लिश का फिफ्थ क्लास का पेपर दिया गया है जिसको मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया है। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पैराग्राफ जो है आपको, फर्स्ट में आपको पैराग्राफ दिया गया है और उसके नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको पैराग्राफ रीड करना है और फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ से ही ढूंढ के लिखना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। तो पैराग्राफ कौन सा है? वी सेलिब्रेट the 125th birth anniversary of Srinivasan Ramanujan in 2012, inaugurating the year long celebration at the University of Madras on the December 26th. Dr. Manmohan Singh declared 2012 as the National Mathematical Year and the Ramanujan's birthday as a National Mathematical Day. A commemorative stamp in the honor of Srinivasan Ramanujan was issued on the occasion. So ye jo Srinivasan Ramanujan ke bare mein hamara chapter hai, isme se ye paragraph liya gaya hai. Maine already ye पैराग्राफ आपको क्लासरूम में करवाया है टेक्स्ट बुक के माध्यम से ही, और वर्कबुक में भी हमने ये एक्सरसाइज के तौर पे सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट इज द 2012 डिक्लेयर्ड एज? तो आपको पैराग्राफ देखना है। देखिए, द 2012 डिक्लेयर्ड एज नेशनल मैथमेटिकल ईयर। तो 2012 यहाँ पे आंसर देखो, डॉक्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर द 2012 एज द नेशनल मैथमेटिकल ईयर। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रामानुजन्स बर्थडे सेलिब्रेटेड एज? तो रामानुजन की बर्थडे कैसे सेलिब्रेट हुई? तो नेशनल मैथमेटिकल डे। इसका आंसर आपको यहीं पे दिया गया है, डॉक्टर मनमोहन सिंह डिक्लेयर्ड 2012 एज द नेशनल मैथमेटिकल ईयर एंड द रामानुजन्स बर्थडे एट द नेशनल मैथमेटिकल डे। अंडरस्टूड? नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वॉज डन इन द ऑनर ऑफ रामानुजन? रामानुजन के ऑनर पे क्या दिया गया? तो अ कमेमोरेटिव स्टैम्प इन द ऑनर ऑफ रामानुजन वॉज इश्यूड ऑन द ओकेशन। तो कमेमोरेटिव स्टैम्प, आंसर आपका क्या आएगा? कमेमोरेटिव स्टैम्प वॉज इश्यूड ऑन द ऑनर ऑफ श्रीनिवासन रामानुजन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? व्हाट वॉज सेलिब्रेटेड इन 2012? तो ये फोर्थ क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी का जो है रिपीट हो रहा है, तो उसका आंसर भी सेम आएगा। वी सेलिब्रेटेड द 125th ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द श्रीनिवासन रामानुजन इन 2012। जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन है वो उसका आंसर आएगा कि हम 2012 का ईयर कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो 125th बर्थ एनिवर्सरी रामानुजन की सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट, व्हाट वाज इट डिक्लेयर्ड 2012 एज? तो आप यहां पे देख सकते हो आपका फर्स्ट क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो सेम है, तो उसका आंसर भी सेम ही आएगा। द ईयर 2012 डिक्लेयर एज द नेशनल मैथमेटिकल ईयर। अंडरस्टूड? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है वो रीड द लाइन ऑफ द पोएम एंड आंसर। तो आपका ब्रेव लिटिल काइट वाली जो पोएम है उसमें से ये पैराग्राफ स्टांजा लिया गया है। आई नेवर कैन डू इट, द लिटिल काइट सेड एज ही लुक्ड एट द अदर हाई ओवर हिज हेड। आई न्यू आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई, ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई और आई फियर यू विल नेवर विल लर्न एट ऑल। But the little kite said, I am afraid I will fall.
तो ये आपको मैंने क्लासरूम में ऑलरेडी समझाया हुआ है कि ये जो छोटी काइट होती है लिटिल काइट, वो स्कैर्ड होती है हाइट से, राइट। तो अब उसके क्वेश्चंस देखेंगे। व्हाई वाज द लिटिल काइट स्कैर्ड? द लिटिल काइट वाज स्कैर्ड एज ही अफ्रेड ऑफ फॉल डाउन और ही अफ्रेड ऑफ हाइट। ओके, नाउ सेकेंड, व्हाट डिड द बिग काइट टेल टू लिटिल काइट? तो बिग काइट लिटिल काइट से क्या कहती है? जस्ट ट्राई, ओनली ट्राई। अब राइमिंग वर्ड्स इसमें से आपको लिखने हैं। तो राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, मैंने क्लासरूम में आपको करवाया था कि जो वर्ड्स है सेंटेंस के स्टांजा के लास्ट में आने वाले वर्ड्स, जिसका प्रोनाउंसिएशन जो है सेम रहेगा और उसका मीनिंग डिफरेंट रहेगा, उसको हम राइमिंग वर्ड कहेंगे। तो ये स्टांजा में राइमिंग वर्ड कौन कौन से है? फ्लाई, ट्राई, ऑल एंड फॉल। नाउ क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, उसके नीचे थ्री ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें से जो राइट ऑप्शन है उस पर आपको राइट टिक करना है। ओके, सो द बिग काइट रोज टूवर्ड्स ए कूल स्काई, बी ट्रैंक्लिन स्काई, सी हाई स्काई। तो क्या आएगा यहाँ पे? ट्रैंक्लिन स्काई आएगा। देन द सेकेंड वन, द काइट ग्रू लोअर, हायर और ब्रेवर। तो आंसर क्या आएगा? सी, ब्रेवर। श्रीनिवासन अपीयर डेज टाइम फॉर हिज एफ ए एग्जामिनेशन। तो श्रीनिवासन ने कितने टाइम दी थी उसकी एग्जाम? टू, थ्री और फोर। तो आंसर आएगा थ्री। ओके, द फोर्थ वन, प्रिंसेस हैड टू शूट अ डैश, अ ट्री, बर्ड और सी, राइट आई ऑफ द बर्ड। तो आंसर आएगा राइट आई ऑफ द बर्ड। फिफ्थ वन, दुशासन वॉज प्राउड ऑफ हिज डैश, ए आई साइट, बी एम और सी शूटिंग। तो क्या आएगा? ए, आईसाइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, राइट डाउन द अपोजिट वर्ड्स। आपको ये अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि फर्स्ट है पास, तो पास का अपोजिट होगा फेल, वीक का होगा स्ट्रॉन्ग, एंड का बिगेन, विन का लूज, ब्रेव का कावर्ड, क्लेवर का डल और बर्थ का होगा डेथ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट डाउन द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यहाँ पे लिखने हैं, जैसे कि ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। क्लोज्ड का ईडी लगेगा पीछे, क्लोज्ड। बाय का क्या होगा? बॉच और बॉट। फ्लाई का फ्लू और फ्लोन होगा, और कैच का कॉट और कॉट होगा। तो बच्चों, ये था आपका स्टैंडर्ड फाइव का इंग्लिश सब्जेक्ट का सेकेंड यूनिट टेस्ट का पेपर सॉल्यूशन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपकी मिस्टेक्स कहाँ हुई है वो भी आपको पता चला होगा। तो आशा करती हूँ कि नेक्स्ट टाइम वो मिस्टेक्स को आप इम्प्रूव करोगे और अच्छे नंबर लाओगे। थैंक यू।